नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल पे, और मैं हूँ आपका दोस्त नीरज। और दोस्तों, कल के लिए यानी फ्राइडे के लिए 14th ऑफ जैन 2022 के लिए हम आप लोगों के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल लेके आए हैं। तो चलिए कल देखते हैं कि कैसा मूवमेंट रहेगी, तो कहाँ पर आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो दोस्तों, आज का जो मार्केट था, देखिए हमारे हमने पहले भी ये टारगेट बना के रखे हैं, पहले के 38,600 के नीचे जाएगा, 38,500, 38,400। तो ये 400 के लेवल तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे वर्क कर रहे हैं, और यहाँ से अगर 400 के लेवल को ये इमिडिएटली कल ब्रेक करता है तो फिर ये डाउन साइड के लेवल और खुल के आएंगे, जो कि 38,287 का है और 38,200 के नियर अबाउट मार्केट जा सकता है। तो बैंक निफ्टी में देखिए कल कैसे आपको ट्रेड करना है, यहाँ पे हम देखेंगे ओपनिंग कैसे होगी मार्केट की, तो कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए आपको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और अब ये 5 मिनट्स का चार्ट पैटर्न है, हम इसे 15 मिनट्स पर कन्वर्ट कर लेते हैं और देखेंगे कि ओपनिंग कहाँ होगी, तो आपको कैसे लेना है, फ्लैट ओपनिंग होगी तो कैसे लेना है। बहुत ही डीप एनालिसिस करते हैं दोस्तों हम, ताकि देखिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है, और अभी तक मुझे यही लग रहा है मार्केट के ट्रेंड से कि कल मार्केट या तो गैप डाउन ओपन हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी नीचे आके इसने क्लोजिंग दी हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट कल जो है थोड़ा सा नेगेटिव वे में काम कर सकता है। तो चलिए हम डे कैंडल पे पहले देखेंगे निफ्टी बैंक को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इतने दिनों की तेजी के बाद यहाँ पे एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, और ये एक्टिवेट भी पूरी तरीके से हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देखें कल का जो डे लो है, अगर ये डे लो ब्रेक होता है तो साफ दिख रहा है हमें कि मार्केट नीचे की ओर मूव कर सकता है। तो चलिए हम देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मार्केट की मूवमेंट नीचे की ओर हो सकती है, तो कल अगर मार्केट की ओपनिंग देखिए इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ पे हो रही है, तो आपको कैसे वहाँ पे वर्क करते हुए चलना है, ठीक है जी। तो दोस्तों पहले हम देखेंगे कि अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, यानी यहाँ कहीं ओपनिंग होती है मार्केट की ये रेंज के नीचे, ये जो रेंज है ये 38,400 की रेंज है, 38,400 के बिलो अगर मार्केट कल ओपन देता है तो इमिडिएटली आपको यहाँ पे सेल साइड पे पोजीशन बनाना होगा। तो यहाँ पे आप कैसे वर्क करेंगे, देखिए 38,000 के आसपास अगर ओपन होता है, 38,400 के नीचे, तो यहाँ पे सपोज़ मान लीजिए ओपनिंग आती है 38,000 करीब करीब, मान लें हम कि 500 के बिलो भी ओपन होता है या 400 के बिलो ओपन होता है, तो हम इमिडिएटली यहाँ से एक 38,300 की पुट को बाई करते हुए चलेंगे कल। तो देखिए पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी, लेकिन ये कब आपको जाना है, जब गैप डाउन ओपनिंग होती है। गैप डाउन मतलब बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग इसमें नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट 300 से 500 के बीच भी ओपन होता है और इस लेवल को ब्रेक करता है, यहाँ कहीं भी ओपन होता है तो यहाँ से अगर ब्रेक करता है इसे, तो हम यहाँ पर अगर 15 मिनट्स पे एक या 5 मिनट्स पे भी एक डाउन कैंडल मिलती है, उसके नीचे भी आप यहाँ पे सेल साइड पे कल जा सकते हैं। तो ये देखिएगा कि आप कल ओपनिंग कहाँ देता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और यहाँ पे नेगेटिव जोन में एंटर हो चुका है मार्केट। तो देखिए अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, अगर इसी रेंज में कहीं ओपन करता है मार्केट, देखिए अगर इसी रेंज में ओपन होता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 400 से 500 के बीच अगर ओपन होता है, 438,000 आप लोग इतना समझ जाया करिए, क्योंकि क्या है कि बहुत टाइम लग जाते हैं सब चीज़ों में, 38,400 to 500 की रेंज में अगर ओपनिंग देता है और इसी लेवल को यहाँ पे निकालता है, 5 मिनट्स की नेगेटिव कैंडल बनती है, तो हम यहाँ पे जस्ट उसकी कैंडल के नीचे के लिए यहाँ पे ट्रेड करेंगे। हमारा पहला टारगेट यहाँ पे हो सकता है 38,287 के आसपास का, और इसके बाद सेकंड टारगेट हमारा, ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा हमारा, और इसके बाद सेकंड टारगेट जो हमारा आएगा 38,200 का आएगा। तो ये 200 के लेवल में जाके हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा अगर रेंज बाउंड होता है और यहाँ पे फिर से ये नेगेटिव नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो फिर हमारा 38,000 तक ये टारगेट कल के सेशन में दिखा सकता है, 38,050 के आसपास ये कल फिर से एक बार जा सकता है।
तो आप देखिएगा नीचे का लेवल बहुत ही क्लियर है कि 38,400 to 38,500 की रेंज में ओपनिंग देता है और 400 को पहली कैंडल ब्रेक करती है और उसके नीचे हम यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग अपना लगाएंगे, यानी 38,300 की पी को इमिडिएटली हम बाई करेंगे। ठीक है जी, 38,300 की पी को हम इमिडिएटली बाई करेंगे और अपने जो टारगेट हमारा है वह टारगेट आने पे कुछ क्वांटिटी कुछ लॉट्स एटलीस्ट, जैसा भी फर्स्ट टारगेट हमारा आता है, आप लोग जानते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी मुझे कि 50% क्वांटिटी मैं बुक करने के लिए आप लोगों को बोलता हूँ। अगर आपके पास 10 क्वांटिटी है तो एटलीस्ट आप 50 क्वांटिटी बुक करिए, सेकेंड टारगेट में 80% क्वांटिटी बुक करिए। ये अगर सेकेंड टारगेट आ जाता है 38,200 तो यहाँ पर 80% क्वांटिटी यानी 8 लॉट आप यहाँ पर बुक कर सकते हो। जैसे भी इसके नीचे जाता है तो आप अपने मेन टारगेट 38,050 तक 2 लॉट लेके चल सकते हैं। जिनके पास भी अगर सपोज 4 लॉट है तो 4 लॉट में 2 लॉट आप लोग फर्स्ट टारगेट पे यहाँ पे बुक करेंगे और जो एक लॉट 2 लॉट बचे हैं तो एक लॉट आपका सेकंड टारगेट में आएगा और जो एक लॉट बच रहा है उसको आप थर्ड टारगेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको पेशेंसली वेट करना है, बैठे नहीं रहना है, आपको प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। 4 लॉट है तो ऐसा नहीं 4 के 4 छोड़ दिए, सर ने बोला कि यहाँ पे थर्ड टारगेट में ही तीनों बुक करना है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आ रहा है तो आपको इमिडिएटली बुक करके चलना पड़ेगा। तो चलिए आप लोगों को ये समझ में आ गया कि अगर ये रेंज में ओपन होता है, ये रेंज आप समझ गए हैं, अगर इसी रेंज में ओपनिंग होती है तो बेस्ट हमारे पास यहाँ पे कल का ट्रेड बनता हुआ दिखेगा आप लोगों को। अगर इस रेंज में ओपन होता है और इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमारे ये सब टारगेट निकल के आ रहे हैं और मैंने आपको बता दिया फर्स्ट टारगेट ये, सेकेंड टारगेट ये वाला रहेगा और थर्ड टारगेट हमारा 38,050 के आसपास का हो सकता है। तो आप लोग देख लीजिएगा कल यही अगर सिनेरियो बनता है तो इमीडिएटली आप सेलिंग साइड पे जा सकते हैं। चलिए अब हम ये देखते हैं दोस्तों कि अगर गैप अप ओपनिंग देता है, गैप अप ओपनिंग मीन्स कहाँ पे गैप अप हो सकता है। तो गैप अप ओपनिंग देता है तो मीन्स यहाँ पे मान के चलिए ये जो लेवल मैंने ड्रॉ कराया 530 570, तो ये जो लेवल है हमारे 570 का भी एक लेवल है 575, आज मैंने आपको दिया था इसी लेवल से रिवर्स हुआ था, थोड़ा बहुत आप लोग एडजस्ट कर लिया करें ऊपर नीचे, क्योंकि देखिए क्या एग्जैक्ट SL निकाल पाना एक्सपायरी के दिन, थोड़ा सा आप ऊपर ही रखिए एक देखिए कि कैसे मूवमेंट आ रही है आपकी वहाँ पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी कल अगर आता है और इस लेवल को काटता है 530 के ऊपर, अब देखिए ओपनिंग अगर इस रेंज में आपकी होती है, अब हम ऊपर साइड में देखेंगे, फ्लैट ओपनिंग देख चुके हैं और गैप डाउन ओपनिंग देख चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखिए मैं आपको इतने डीप एनालिसिस इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे लर्निंग के लिए मिले, तो इसलिए पूरा वीडियो देखिए। देखिए मैं वीडियो के बीच में कई ऐसी चीज़ें बता दूंगा आपको कि जो पूरा वीडियो नहीं देखते उनको वो सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो कल देखिए या तो इसके ऊपर अगर ओपन हो जाता है मार्केट, ठीक है जी, अगर इसके ऊपर ओपन हो जाता है, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ नहीं तो आप लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। देखिए एक तो यहाँ पे अगर ऊपर ऊपर होता है यहाँ पे 38,570 580 के बीच होगा तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, आप मेरे टेलीग्राम चैनल का वेट करिएगा, मैं आप लोगों को यहाँ से एक अच्छी कॉल देने की कोशिश करूँगा, कन्फर्म कॉल दूंगा। तो देखिए यहाँ पे ये होता है कि गैप अप अगर ओपनिंग हो गया तो कितना ऊपर और जा सकता है, ये सब प्रिडिक्शन आपको करना पड़ता है। और अगर यहाँ पे दो ओपनिंग हो सकती है 38,550 के नियर अबाउट और 530 ये देखिए लेवल लिख दे रहा हूँ 538,530 to 600 भी मान सकते हैं आप। अगर ये गैप अप ओपनिंग देता है तो यहाँ पे देखेंगे हम दोस्तों, यहाँ पे अगर ओपनिंग आती है तो उसके बाद यहाँ पे रेंज बनने दीजिए आप, ठीक है जी। अगर इसी रेंज में थोड़ा बहुत, ये तो फ्लैट हो जाएगा एक्चुअली, इस रेंज में करता है तो हम इसे फ्लैट मानेंगे, और अगर इस रेंज के ऊपर यहाँ पे करता है और यहाँ पे फिर हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या रेंज कोई बना रहा है, यहाँ पे कोई ऐसी रेंज बन रही है और उस रेंज को हम प्ले करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि कुछ ब्रेकआउट अगर दे रहा है तो वहाँ से हम एक SL छोटा सा रख के वहाँ पे बाइंग साइड पे भी जा सकते हैं। तो देखिए या सेलिंग साइड पे भी अगर कुछ नेगेटिव कैंडल बनती है तो वहाँ से हम सेलिंग साइड भी ले लेते हैं। देखिए ये सब चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी मेरी, तो अगर ऊपर ओपन होता है तो उसे छोड़ दीजिएगा आप, अपन देखेंगे कि कोई अच्छे लेवल से उसे शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। वैसे मेरा जो व्यू है बेरिश व्यू पे ही कल मैं हूँ, कल इमीडिएटली हम पीई को बाई करेंगे, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। ओके
चलिए, तो ये हो गया बैंक निफ्टी के ऊपर के टारगेट। मैं बाइंग साइड पे अगर रहता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट करूंगा। और ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी एक ड्रॉ हो रही है। देखिए ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं अपन, देखिए ये सब एनालिसिस का पार्ट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बहुत डीप एनालिसिस बताता हूँ दोस्तों, कि आप लोग समझें सीखें। सीखेंगे नहीं तो देखिए क्या है, टिप्स पे या ऐसे काम करने पे आपको उतना मज़ा नहीं आएगा जितना आप सेल्फ स्टडी से वर्क कर सकते हैं दोस्तों, उतना आपको यहाँ पे डीप एनालिसिस करके जो मज़ा आएगा। वैसे आप सिंपल एनालिसिस पे काम मत करिए, थोड़ा सा देखिए कि कहाँ पे क्या रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन कहाँ पे ड्रॉ हो रही है। तो देखिए ये एक्चुअली ट्रेंड लाइन उतनी अच्छी आज ड्रॉ हो नहीं पा रही है। हाँ ये ट्रायंगल पैटर्न आप मान सकते हैं, अगर देखा जाए तो ट्रायंगल पैटर्न है, ठीक है। ट्रायंगल पैटर्न का अगर ब्रेकआउट देता है और इस रेंज के ऊपर जाता है, 38,600 के ऊपर ही हम बुलिश होंगे और वहाँ से बाइंग के लिए सोचेंगे। तो ये सब चीज़ें आप देखिए अगर। चलिए अब आते हैं, अब देखिए ऑप्शन चेन एनालिसिस हम आज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आज जो है उतनी ज़्यादा कॉल साइड और पुट साइड पे बिल्डअप हुआ नहीं है ओआई, तो वहाँ पे हमें उतना कुछ क्लियर होगा नहीं। तो इसलिए हम अब देखेंगे निफ्टी 50 के एनालिसिस, निफ्टी 50 पे क्या हो सकता है। निफ्टी 50 थोड़ा सा बुलिस यहाँ पे बना हुआ है, तो इस पर भी कल हम वॉच करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डबल टॉप पैटर्न आपको देखने को 5 मिनट्स पर मिल रहा है। तो इसे हम 50 मिनट्स पर कन्वर्ट कर लेते हैं और देखेंगे कि इसकी एनालिसिस कैसी रहती है। तो देखिए ये सब लेवल्स ड्रॉ है, अभी काफ़ी टॉप में चल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी अगर इसको सपोर्ट नहीं किया तो ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा हुआ है। तो कल अगर इस लेवल को ये निकालता है तो कितने ऊपर जाएगा ये हम कल के सेशन में लाइव टेलीकास्ट में, लाइव ट्रेडिंग में आपको बताएंगे कि भाई कैसे आपको करना है। तो इसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से जल्द ज्वाइन करें, तब आप लोगों को वहाँ पर काफ़ी कुछ लाइव अपडेट मिल जाएंगे। तो देखिए अभी थोड़ा सा बुलिश मोड पे बना हुआ है, तो कल अगर बैंक बैंक निफ्टी को सपोर्ट अगर करता है ये निफ्टी, तो बैंक निफ्टी भी ऊपर भाग सकता है। अगर ये गैप अप ओपनिंग देता है तो निफ्टी भी ऑब्वियसली ऊपर की ओर जाने के चांसेस है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे तो हमारा ज़्यादा व्यू नहीं है अपसाइड का, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोड पे है और यहाँ से एक डबल टॉप पैटर्न बन चुका है। तो आप देखें ये सब चीज़ें, देखिए एनालिसिस का पार्ट है, मैं आप लोगों को इतना डीपली सिखा रहा हूँ, कोई इतना डिटेल से आप लोगों को नहीं बताएगा। देखिए यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न दिख रहा है आपको, ठीक है। अब ये डब्लू पैटर्न का अगर ब्रेकआउट आता है, ये देखिए ये है और ये है, डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट देता है, अगर गैप अप मारता है और सेकेंड कैंडल 15 मिनट्स में अगर बुलिस है, सेकेंड कैंडल भी ऐसी बनती है, तो हम फिर थर्ड कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ पे बाइंग पे जा सकते हैं। तो देखना पड़ेगा हमें कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो मैं एकदम से नहीं जाऊँगा। यहाँ पर अगर फर्स्ट कैंडल बुलिस बनती है तो उसके नीचे का SL जस्ट लगा के थोड़ा सा SL मुझे कल को बड़ा रखने पड़ेगा और यहाँ से मेरा करीब 30 to 60 पॉइंट का टारगेट हो सकता है अपसाइड पर। तो देखिए कल ये है, अब यहाँ से अगर इसी लेवल के नीचे मान लीजिए इसी रेंज में ओपन होता है कहीं पे, अगर इस रेंज में ओपन होगा तो हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो है। तो देखिए इस रेंज में अगर, यानी आपकी रेंज हम यहां पे कैलकुलेट करें, 200 to 270, 200 to 270 का एक जोन बना हुआ है। देखिए 200 to 270 ये करीब करीब मान के चलिए, टू हंड्रेड टू टू सेवेंटी इसी जोन में अगर ऊपर ओपन होता है, अब आप समझिए इस चीज़ को, देखिए इस जोन में कहीं भी ओपन होता है, इसे हम मतलब नहीं है, इस जोन में होता है और यहाँ से इसे ब्रेक करता है, तो इमिडिएटली हम यहाँ पे बाइंग लगाएंगे और हमारा टारगेट एटलीस्ट 40 to 50 पॉइंट का मैक्स हो सकता है। 30 पॉइंट पे पहला हम टारगेट बुक करेंगे, 25 to 30 पॉइंट पे, और उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो 40 to 50 पॉइंट में सेकंड टारगेट और 60 पॉइंट के आसपास हमारा थर्ड टारगेट रह सकता है। देखिए बहुत ज़्यादा हम बुलिश मोड पे नहीं जाएंगे और छोटे टारगेट रखेंगे अपसाइड के लिए। और अगर यहाँ से इसी रेंज में ओपन होने के बाद ऊपर ना जाके, देखिए इसी रेंज में ओपन हो रहा है और यहाँ से इसी रेंज को ब्रेक कर रहा है, तो इमिडिएटली आप एक यहाँ पे 200 की पी को भी बाई करके चल सकते हैं। तो जैसे भी ये रेंज ब्रेक करेगा 18,200 की पी को आप इमिडिएटली लेके बाइंग कर सकते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे भी आपका टारगेट, पहला टारगेट 25 पॉइंट्स का रहेगा, सेकंड टारगेट आप एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ा सा टारगेट आप बढ़ा सकते हैं, इसमें इसमें आपके 25 पॉइंट पहला टारगेट रहेगा और करीब करीब 55 पॉइंट का सेकंड टारगेट आप लेके चल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट अभी देखने को नहीं मिलेगी जब तक कि यहाँ पर ये सब सपोर्ट जोन बने हुए हैं, तो ये सब आप लेवल निकालिएगा, फाइंड आउट करिएगा, और इसके बाद अगर कुछ बड़ी गिरावट आती है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के एनालिसिस पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं और लाइक का बटन जरूर दबाएं दोस्तों, और अपने बेल आइकन को टैप करके रखें ताकि जो भी अपडेट वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। आप सभी